बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। आपको पता है कि इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर वाले चैप्टर में से दो SCQ आने हैं, तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इन्फ्लेमेशन वाले चैप्टर के ऊपर वीडियोस अपलोडेड थी, बाकी रिवीजन वाली वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक और एक्यूट में फ़र्क क्या होता है? क्रॉनिक में प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, वीक्स या मंथ्स की। इस इन्फ्लेमेशन के अंदर आपको तीन चीज़ें एक साथ ही देखने को मिलती है टिश्यू के अंदर। हाँ, ये डिफरेंट होता है कि टिश्यू रिपेयर ज़्यादा चल रहा है या हमारा टिश्यू इंजरी ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। लेकिन तीन चीज़ें एक ही वक्त में चल रही होती है, पहला इन्फ्लेमेशन, दूसरा टिश्यू की इंजरी और तीसरा टिश्यू का रिपेयर एट अ टाइम अगर चले तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक हो गया। ओके, अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के कॉजेज क्या होते हैं? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के तीन कॉजेज हैं, पहला परसिस्टेंट इन्फेक्शन, दूसरा हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज और तीसरा प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू पोटेंशियली टॉक्सिक एजेंट, चाहे वो एक्सोजीनस है चाहे वो एंटोजीनस है। परसिस्टेंट इन्फेक्शन के अंदर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके इन्फेक्शन को इरेडिकेट करना, एलिमिनेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, पैरासाइट्स वगैरह। अब ये वाले ऑर्गेनिज्म Type 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को इंड्यूस कर देते हैं, जिसको डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी बोलते हैं। अब इस चीज को मैंने सेपरेट वीडियो से कवर कर दिया है, जो वीडियो आपको इम्यूनोलॉजी वाली प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, आप उसको देख लेना, हाइपरसेंसिटिविटी एलर्जी वाला। क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन इंडिविजुअल के अंदर या इन इन्फेक्शियस एजेंट के तौर पर एक ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन के तौर पर आ जाता है, यानी इन माइकोबैक्टीरियम के केस में आपको ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन हो जाती है, और इस टाइप की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ओके, बात तो कहता ऐसा होता है कि अनरिजॉल्व्ड एक्यूट इन्फ्लेमेशन, कि अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन को आपने ठीक ना किया तो ये क्रॉनिक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर लंग्स का एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, लेकिन अगर इसको ठीक ना किया गया तो ये क्रॉनिक लंग एब्सेस करवा सकता है। इसी तरह पेप्टिक अल्सर के अंदर एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन दोनों देखने को मिलती है। तो पहला कॉज क्या हो गया? परसिस्टेंट इन्फेक्शन। दूसरा हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज। हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज के अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अब बाज़ अवकात ऐसा होता है कि हमारा इम्यून रिएक्शन कुछ ज़्यादा एबनॉर्मल एग्जैजरेटेड हो जाता है। अगर ये एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स हमारे बॉडी के टिश्यू के अगेंस्ट हो तो उसको ऑटोइम्यून, लेकिन अगर ये बाहर वाले एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट हो जो इनोक्वस होते हैं तो उनको हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक हो गया। इस केस के अंदर चाहे वो ऑटोइम्यून हो, चले हम पहले यहाँ पर ऑटो एंटीजन के तौर पर लिखते हैं, तो ऑटो एंटीजन करते क्या, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, हमारे बॉडी के टिश्यू के अगेंस्ट करवा देते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बैक फायर शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्रॉनिक टिश्यू के डैमेज होगा और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी होती है। और दूसरा कॉज मैंने क्या बताया था, हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल ब्रोंकियल एस्थमा, वो एक्यूट और क्रॉनिक दोनों हो सकता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू पोटेंशियली टॉक्सिक एजेंट। कुछ पोटेंशियली टॉक्सिक एजेंट होते हैं जिनका प्रोलॉन्ग एक्सपोजर भी टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल कुछ फैक्ट्री वगैरह या कोई कोल माइनिंग वगैरह या सिलिका वाली फैक्ट्रीज के अंदर जहाँ पे सिलिका का काम ज़्यादा होता है, तो अगर ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए तो सिलिका का, और सिलिका क्या है, नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल होता है, अगर सिलिका की इनहेलेशन हो जाए तो ये सिलिकोसिस करवा देती है, जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी लंग डिजीज है। और ये एग्जांपल में आता है एक्सोजीनस टॉक्सिक एजेंट। एंडोजीनस टॉक्सिक एजेंट जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, दूसरे लिपिड्स होते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन वगैरह करवा देते हैं किसकी, आर्टीरियल वाल की, जबकि सिलिका के केस के अंदर इन्फ्लेमेशन लंग्स की होती थी, और इस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस, जबकि ऊपर वाली कंडीशन को सिलिकोसिस बोलते हैं। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या होते हैं, एक्यूट के अंदर न्यूट्रोफिल होते हैं, क्रॉनिक के अंदर क्या होता है, क्रॉनिक के अंदर आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती है, एक्यूट के अंदर वैस्कुलर चेंजेस, एडिमा, न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन होती है, क्रॉनिक के अंदर मोनोन्यूक्लियर सेल की इन्फिल्ट्रेशन होती है, जो न्यूट्रोफिल होते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर होते हैं, जिनमें मैक्रोफेजेस है, लिम्फोसाइट्स है, प्लाज्मा सेल्स हैं, इनकी इन्फिल्ट्रेशन होती है, मोनोन्यूक्लियर, टिश्यू की डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। और टिश्यू की डिस्ट्रक्शन क्यों इंड्यूस होती है, या तो ऑफेंडिंग एजेंट परसिस्टेंट है, माइकोबैक्टीरियम है, जैसे वो हटता ही नहीं है, या इन्फ्लेमेटरी सेल की वजह से टिश्यू का डिस्ट्रक्शन है। तीसरा कि टिश्यू की डिस्ट्रक्शन को ओवरकम करने के लिए रिपेयर वाला मैकेनिज्म भी चलता है, और उन रिपेयर वाले प्रोसेस में, यानी सबसे पहले क्या होता है, डैमेज टिश्यू की रिप्लेसमेंट होती है, और वो अकॉम्प्लिश्ड होती है, कंप्लीट होती है एंजियोजेनेसिस और फिब्रोसिस वाले स्टेप में। अब इसको तो एक्सप्लेन करूंगा टिश्यू रिपेयर वाले टॉपिक के अंदर। तो तीन मॉर्फोलॉजिकल फीचर, मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन,
टिश्यू डिस्ट्रक्शन अटेम्प्ट्स एट हीलिंग बाय कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं सेल्स एंड मीडिएटर्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। मैक्रोफेजेस को पढ़ेंगे हम, फिर हम चलेंगे रोल ऑफ लिम्फोसाइट्स है, फिर हम दूसरे सेल्स होती है जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर अपना रोल अदा करते हैं, और इसके बाद ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो पहले हम मैक्रोफेजेस के रोल को देख लेते हैं। जो डोमिनेंट सेल क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर देखने को मिलते हैं वो मैक्रोफेजेस होते हैं। वो मैक्रोफेज क्या काम करते हैं? मैक्रोफेज साइटोकाइन प्रोड्यूस करते हैं और इसके अलावा कुछ ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। वो साइटोकाइन ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं? दूसरे इम्यून सिस्टम के सेल को एक्टिवेट करेंगे और कुछ ग्रोथ फैक्टर टिश्यू के रिपेयर को भी इनिशिएट करवा देते हैं। तो मैक्रोफेज क्या करते हैं? ये फेगोसाइटोसिस करते हैं, इसके अलावा रिपेयर के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। सबसे पहले मैक्रोफेजेस के अंदर कुछ बातें आपको आनी चाहिए। पहले मैंने आपको मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल के बीच में फर्क बताया था, उम्मीद है कि आपने वो देखा होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे आओ, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल में क्या क्या फ़र्क होता है, ठीक है, तो आपने इसको देख लेना। ठीक है, जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से डिराइव होते हैं, स्पेसिफिकली बोन मैरो के अंदर, पोस्ट नेटल लाइफ में और प्री नेटल लाइफ के अंदर ये फीटल लीवर और एम्ब्रियोनिक योक सैक। तो प्री नेटल और पोस्ट नेटल, पोस्ट नेटल में बोन मैरो, प्री नेटल के अंदर योक सैक, फीटल लीवर। और जो सर्कुलेटिंग सेल्स होते हैं सबसे पहले वो मोनोसाइट्स होते हैं। तो मोनोसाइट्स कनेक्टिव टिश्यू में नॉर्मली ये डिफरेंशिएटेड होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर ये कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीवर, जहाँ पे ये कलेक्ट होने के बाद ये कुफर सेल कहलाते हैं स्प्लीन के अंदर। वैसे जो मोनोसाइट होते हैं वो टिश्यू में जाने के बाद मैक्रोफेजेस बन जाते हैं डिफरेंशिएट होने के बाद। लीवर के अंदर कुफर सेल, स्प्लीन और लिम्फ नोड के अंदर साइनस हिस्टोसाइट, सीएनएस के अंदर माइक्रोग्लाया, एल्वियुलर लंग्स के अंदर एल्वियुलर मैक्रोफेजेस। तो मोनोसाइट मैक्रोफेजेस को मिला के मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम, या इनको रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम भी बोलते हैं। अब जो कॉमिटेड प्रोजेनिटर्स होते हैं बोन मैरो के अंदर, पहले वो क्या बनते हैं? मोनोसाइट। फिर मोनोसाइट ब्लड के अंदर आते हैं, फिर वो डिफरेंट टिश्यू में होते हैं और डिफरेंट टिश्यू में जाने के बाद वो मैक्रोफेज के अंदर डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ठीक हो गया, ओके, दिस इज टिपिकल ऑफ मैक्रोफेज एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब ये टिपिकल पैटर्न होता है कि मैक्रोफेज जैसे किसी साइट इन्फ्लेमेशन होती है तो वहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे स्किन और इंटेस्टिनल ट्रैक पे, तो ये बिल्कुल वैसे ही जाते हैं जिस तरह इन्फ्लेमेशन के अंदर जाते हैं। अब मोनोसाइट की हाफ लाइफ एक दिन होती है, लेकिन अगर वो मोनोसाइट टिश्यू में पहुंच जाए, टिश्यू का मैक्रोफेज बन जाए, तो उसकी हाफ लाइफ महीनों या कुछ सालों तक जाग चली जाती है। कहती है कि जो माइक्रोग्लाया और कुफर सेल एल्वियुलर मैक्रोफेजेस होते हैं, ये कुछ प्रोजेनिटर से राइज करते हैं योक सैक या फीटल लीवर में। ठीक है, फिर वो माइग्रेट करते हैं ब्रेन में, लीवर में, लंग्स में। जैसे ब्रेन में माइक्रोग्लाया बोलते हैं, लीवर के अंदर क्या कहते हैं कुफर, लंग्स के अंदर एल्वियुलर मैक्रोफेजेस। यानी कुछ सेल ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली प्रोजेनिटर से आ जाते हैं मैक्रोफेज, और वो चले जाते हैं ब्रेन के पास, लीवर के पास और लंग्स के पास, और कुछ मोनोसाइट से डिराइव्ड होते हैं। ठीक हो गया, तो चाहे जिस मर्जी से डिराइव्ड हो, आपने बस पता होना चाहिए कि मैक्रोफेजेस आते कहाँ से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोन मैरो में देखो, तो बोन मैरो में हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल होते हैं, पहले ब्लड मोनोसाइट होता है, और फिर वहाँ से ब्लड मोनोसाइट जब इन्फ्लेमेशन होती है तो वहाँ पर एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस बन जाते हैं इन्फ्लेमेशन के केस में। या नॉर्मल केस के अंदर मोनोसाइट टिश्यू में जाने के बाद मैक्रोफेजेस बन जाते हैं स्किन के अंदर, इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर। लेकिन प्रीनेटल लाइफ में योक सैक और लीवर प्रोजेनिटर होते हैं। तो जो प्रोजेनिटर से जो मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस होते हैं वो रेजिडेंट वाले प्रोड्यूस होते हैं, उस केस के अंदर डिमैन वाला कोई मोनोसाइट नहीं होता। तो आपने इस चीज़ को देखना है। ठीक है, नो ब्लड मोनोसाइट्स होते हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि मोनोसाइट की डिवेलपमेंट ओरिजिन क्या होता है, अब मोनोसाइट्स के मैक्रोफेजेस के फंक्शन भी तो आने चाहिए। तो मैक्रोफेज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर बहुत रोल अदा करते हैं। अब मैक्रोफेजेस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वगैरह को पढ़ लेते हैं। तो पहला, मैक्रोफेजेस जिस तरह दूसरे फेगोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल होते हैं, तो ये फेगोसाइटोसिस करती है किसकी? माइक्रोब्स की और नेक्रोटिक टिश्यू की। मैक्रोफेज टिश्यू के रिपेयर को भी इनिशिएट करवा देती है, स्कार की फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोसिस को भी कंट्रोल करते हैं। अब इनको टिश्यू रिपेयर वाले में पढ़ेंगे। मैक्रोफेज साइटोकाइन प्रोड्यूस करते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, कीमोकाइंस और इकोसिनोइड्स। अब ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन को इनिशिएट और प्रोपेगेट भी करते हैं। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? टी लिम्फोसाइट को अपना एंटीजन डिस्प्ले करवाते हैं, जिसके वजह से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं। और ये भी करते हैं कि टी सेल से सिग्नल को रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी फीडबैक स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ से देखो, ये फीडबैक ये बाई डायरेक्शनल है कि टी लिम्फोसाइट मैक्रोफेज को एक्टिवेट करती है, मैक्रोफेज टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये बाई डायरेक्शनल इंटरेक्शन होता है, जिसके अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मजीद आगे प्रोग्रेस करती रहती है। अब मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन के दो पाथवे होते हैं। ठीक है, सपोज ये ब्लड गला कोई एक मोनोसाइट है, ठीक है, इसने M1 बनना है या M2 बनना है। अगर इसने M1 बनना है तो इस पाथवे को क्लासिकल एक्टिवेटेड बोलते हैं, और इस वाले को बोलते हैं अल्टरनेटिव एक्टिवेशन। ठीक है, अब दोनों पाथवे को पढ़ लेते हैं कि किस पाथवे को इनिशिएट करवाना है। पहला क्लासिकल मैक्रोफेज एक्टिवेशन, इस पाथवे की
इंडक्शन कैसे होती है, इसकी इंड्यूस करवाने वाले कुछ माइक्रोबियल प्रोडक्ट होती है, फॉर एग्जांपल एंडोटॉक्सिन्स होती है, वो एंडोटॉक्सिन टोल लाइक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाती है। इसके अलावा दूसरे सेंसर्स भी होती हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, माइक्रोबियल प्रोडक्ट में जो TLR लाइगेंड्स स्पेसिफिकली एंडोटॉक्सिन्स होते हैं। इसके अलावा कुछ टी सेल के सिग्नल्स होती है, फॉर एग्जाम्पल साइटोकाइन इंटरफेरॉन गामा, और इंटरफेरॉन गामा नेचुरल किलर सेल्स में प्रोड्यूस होता है। तीसरी चीज़ वो ये है कि कुछ फॉरेन सब्सटेंस होती है, फॉर एग्जांपल क्रिस्टल है, पार्टिकुलेट मैटर है, डस्ट पार्टिकल है, स्मॉग है, ठीक है, तो वो भी क्लासिकल पाथवे की एक्टिवेशन करवा देती है। अब ऐसे मैक्रोफेजेस जो क्लासिकल पाथवे से एक्टिवेट होते हैं उनको M1 बोलते हैं। वो नाइट्रिक ऑक्साइड ROS प्रोड्यूस करते हैं और लाइसोसोमल एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ये तीनों डिफेंस या प्रोटेक्टिव सिस्टम है, ठीक है। ये क्या करते हैं, माइक्रोबाइसिडल एक्शन करते हैं, माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, फेगोसाइटोसिस और इनकी किलिंग वगैरह कर देते हैं। इसके अलावा ये कुछ इंटरल्यूकिंस और इंटरल्यूकिन 1, 12, 23 ट्यूमर क्रोसिस फैक्टर अल्फा के वो काइंड जो इन्फ्लेमेशन को प्रोग्रेस करवा देते हैं। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव पाथवे की। अल्टरनेटिव पाथवे की से जो मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होती है उनको N2 बोलते हैं। इनकी इनिशिएट करवाने वाले कुछ साइटोकाइन होती है, लेकिन वो 13 और 4 होते हैं, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है, 1 और 3 कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो आप 4 को याद रख लो या 13 को याद रख लो, बहुत ईजी है। तो जो M2 वाले जो स्टिमुलेट होते हैं, तो ये मैक्रोफेजेस असल में माइक्रोबाइसिडल नहीं होते, बल्कि इनका प्रिंसिपल फंक्शन है टिश्यू का रिपेयर करना। फॉर एग्जांपल ये इंटरल्यूकिन 10 और ट्यूमर ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा या टिश्यू की रिपेयर और फिब्रोसिस करवा देते होते हैं। मेनली कहते हैं कि जब कोई इंजीरियस स्टिमुलस आता है तो सबसे पहले जो पाथवे एक्टिवेट होता है वो क्लासिकल पाथवे है, जिसका मेन पर्पज है ऑफेंडिंग एजेंट को डिस्ट्रॉय कर देना। लेकिन इसके बाद जो पाथवे चलेगा वो अल्टरनेटिव पाथवे है, जिसका मेन पर्पज क्या होगा, टिश्यू के रिपेयर को इनिशिएट करवा देना, ठीक हो गया। इसके बाद और आपको नेक्स्ट इस पैराग्राफ में कोई काम की चीज़ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं रोल ऑफ लिम्फोसाइट्स। अब माइक्रोब्स हैं या दूसरे इन्वायरमेंटल एंटीजन्स होती हैं, वो टी और बी सेल को या बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करवा देती हैं। वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को मजीद एम्पलीफाई और उसको प्रोपेगेट भी करवा सकती है, स्ट्रॉन्ग करवा सकती है, वीकर से स्ट्रॉन्ग करवा सकती है। अब किस तरह से काम करते होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब चाहे बी सेल की एक्टिवेशन है, चाहे टी सेल की एक्टिवेशन है, ये आपको देखने को मिलती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का कॉज क्या होता है, परसिस्टेंट या सीवियर स्टिमुलस, ठीक हो गया, सीवियर स्टिमुलस। लेकिन एक मरतबा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल जाए तो वो परसिस्टेंट और सीवियर इसलिए होती है क्योंकि एक मरतबा लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाए तो इनकी लॉन्ग लिव्ड मेमोरी सेल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है, ये 1-2 दिन तक नहीं चलती बल्कि महीनों सालों तक चलती रहती है, ठीक हो गया। वजह क्या होती है, क्योंकि मेमोरी टी लिम्फोसाइट का रिस्पॉन्स होता रहता है। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर डोमिनेंट होते हैं, जिस तरह मैक्रोफेजेस होते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं, जो मेनली हेल्पर सेल होते हैं, हेल्पर जिनको CD4 टी लिम्फोसाइट होते हैं, वो साइटोकाइन प्रोड्यूस करते हैं। तो वो असल में इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को आगे इन्फ्लुएंस करते हैं किस टाइप का इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हेल्पर सेल है वो वहाँ पर जो CD4 पॉजिटिव है, तो तीन टाइप के यहाँ पर लिखे हुए, TH1, TH2 और TH17। TH1 ने प्रोड्यूस करना इंटरफेरॉन गामा, इंटरफेरॉन गामा ने क्लासिकल पाथवे से मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर देना। TH2 सेल ने इंटरल्यूकिन 1, 4, 5, 13, याद रखो कि ये वो थे जिन्होंने क्या करवाना था, अल्टरनेटिव पाथवे की एक्टिवेशन करवानी थी। इसके अलावा इयोजिनोफिल को भी एक्टिवेट करते हैं। TH17 इसने इंटरल्यूकिन 17 प्रोड्यूस करना है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ ये वाला टेबल जो आपको मैंने बताया था कि साइटोकाइन इन एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, तो वहाँ पर इंटरल्यूकिन 17 मैंने बताया था टी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होता है। मैंने ये भी कहा था कि एक्यूट और क्रॉनिक दोनों के अंदर होता है, जबकि इंटरल्यूकिन 12 और इंटरफेरॉन गामा सिर्फ क्रॉनिक के अंदर होते हैं। ओके, वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इंटरल्यूकिन 17 क्या करवाता है, न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस वगैरह करवाते थे, मोनोसाइट्स की भी, ठीक है। अब TH1 और TH17 मेनली हमारे जो सेल्स होती है ये बैक्टीरिया और वायरसेस के अगेंस्ट मेन डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर भी, जिसके अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से टिश्यू की इंजरी मजीद सीवियर से सीवियर हो जाती है, जो TH2 है वो होस्ट डिफेंस के तौर पर काम आती है अगेंस्ट हेलमेंथीस, या MCQ में आता है। इसके अलावा पैरासाइट्स और एलर्जिक इन्फ्लेमेशन के अंदर भी TH2 पार्टिसिपेट करते होते हैं। अब लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस मैंने कहा था कि इंटरेक्ट करते हैं बाई डायरेक्शनल वे से, और इनकी इंटरेक्शन की वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन सीवियर और परसिस्टेंट हो जाती है। किस तरह से, अगर आप यहाँ से देखो, ठीक है, तो अगर आप इस डायग्राम में देखो तो इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ जाएगा कि जो मैक्रोफेजेस होती है, सबसे पहले ये मैक्रोफेज है, कोई इन्फेक्शियस स्टिमुलस आया तो मोनोसाइट
और कि मोनोसाइट क्या ब्लड को छोड़ने के बाद मैक्रोफेज के अंदर आ गए। अभी मैक्रोफेज क्या करेंगे, मैक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, तो ये एंटीजन को अपने सेल के ऊपर एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, डिस्प्ले करते हैं। और इसके अलावा ये साइटोकाइंस भी प्रोड्यूस करते हैं, जो साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 12 है और दूसरे होते हैं। अब इनका इनसे होता क्या है, एक तरफ से साइटोकाइन प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरी तरफ से ये एंटीजन की प्रेजेंटेशन करवा रहा है। इन दोनों की वजह से टी सेल का रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, टी सेल की स्टिमुलेशन हो जाएगी। फिर जो टी सेल स्पेसिफिकली CD4 पॉजिटिव TH1 होते हैं, वो आगे क्या करते हैं, इंटरफेरॉन गामा प्रोड्यूस करते हैं। वो इंटरफेरॉन गामा मजीद मोनोसाइट को मैक्रोफेज के अंदर डिफरेंशिएट करवा देता है। इसके अलावा कुछ साइटोकाइंस प्रोड्यूस करवाते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन प्रोसेस फैक्टर अल्फा, कीमोकाइंस, वो भी आगे क्या करवाते हैं, इनकी कीमोटैक्सिस करवा देते हैं। इन शॉर्ट जो मैक्रोफेजेस और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये बाई डायरेक्शनल मैनर से एक दूसरे को स्टिमुलेट करवाते रहते हैं। और यहाँ पे एक डायग्राम नजर आएगी, ये है ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन की। एक ग्रैनुलोमा बनता है, ग्रैनुलोमा एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की सबसे बड़ी निशानी होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इस वीडियो में कवर कर लिया, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।